हाय वीवर्स, चलिए देखिए आज हम यहाँ पर कहाँ आ गए। यहाँ पर 5 दिनों तक चलने वाला भूलोकबांबा उत्सव जो बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से मनाया जाता है। यह दिवाली से लेकर नागुल चौथी तक 5 दिनों तक उत्सव होता है। मेले में तरह तरह के लाइटिंग का यहाँ पर आनंद उठाया जाता है। फुल लाइटिंग फुल जोश से लगा होता है यहाँ पर। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा लाइटिंग, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए बाहुबली के सीनरी यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। और देखिए फिर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर 2 ग्रुपों का लाइटिंग लगा होता है जो बहुत ही पोटी में होता है। यहाँ पर लाइटिंग की सजावट बहुत ही खूबसूरत होती है। ये देखिए, ये भी यहाँ पर लाइटिंग निकालने लग रहे हैं। तरह तरह के लाइटिंग से यहाँ पर सजावट की जाती है। इस मेले में बहुत ही लाइटिंग का बहुत ही महत्व होता है। बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर देखने के लिए लोग आते हैं। आज भीड़ कम था इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मंदिर है जिसे बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। सुंदर ढंग से सजाया जाता है। यहाँ पर एक मंदिर है सुब्रमण्यम स्वामी का। चलिए अब हम सुब्रमण्यम स्वामी के दर्शन करते हैं। इसी तरह यहाँ पर शंकर भगवान पार्वती जी का भी मूर्ति की स्थापना है यहाँ पर, और साथ ही साथ हमारे गणपति जी का भी पूजन किया जाता है इस मंदिर में। अब ये हमारे दूसरी तरफ का मंदिर आता है, दूसरे तरफ का। यह है हमारी भूलोकबांबा माता का मंदिर। इसे पूरी तरह सब्जियों और फलों से सजाया गया है। देवी को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है, देवी को सब्जियों और फलों से। अब यहाँ से शुरू होता है पूरा कार्यक्रम, यहाँ से शुरू होता है पूरा। यहाँ पर सजावट बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है इस मेले में।
सजावट को देखने के लिए, यहाँ पर लाइटिंग देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस दिन बहुत ही उत्सव, नागल चौथी के दिन तो और भी बहुत भीड़ यहाँ पर जमा होती है। इसलिए यहाँ पर भीड़, आज तो यहाँ पर भीड़ नहीं है क्योंकि हम नागल चौथी के पहले दिन ही हम लोग आ गए थे। देखें यहाँ पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बच्चों के लिए घड़ियाँ, एंजॉयमेंट का पूरी सामग्री यहाँ पर रहती है इस मेले में। घर की सजावट के सामान, ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर बेची जाती है। ये हैं बच्चों के खेलने के लिए, सजावट के लिए। इस मेले में बहुत ही सस्ती बेची जाती है। और एक तरफ है, फिर दूसरी तरफ है बच्चों का झूला, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। मेले में गए तो झूला तो झूलना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर, राइड के लिए यहाँ पर बहुत सारे झूलों का इंतजाम किया गया है। बच्चे यहाँ पर बहुत ही आनंद उठाते हैं राइड का। बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। हमने भी राइड का बहुत ही एंजॉय किया है। सब यहाँ पर बच्चे बड़े बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो प्लीज़ यदि आपको यह उत्सव पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।